कॉकर्स पैनल को लेके आप लोग अगर कंफ्यूज हो कि आपको कॉकर्स पैनल की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए या फिर आपको डाउट आ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकी लॉयल्टी के मामले में। तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लॉयल होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। बेशक ये आपको वॉच डॉग होती है लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। इंटेलिजेंस के मामले में डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जिसके चलते आप इन्हें नई नई चीज़ें सिखाओगे तो काफ़ी जल्दी सीख जाती है और ट्रेनिंग भी आप इन्हें ईजिली दे सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जिसके चलते काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इनके ग्रूमिंग में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, इनके बड़े बड़े बाल होने के चलते तो आपको उस चीज़ का खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो अपने डॉग के साथ, उसकी ग्रूमिंग कर सकते हो, तो आप बेझिझक कॉकर स्पैनियल की तरफ जा सकते हो। इनकी स्मेलिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसी के चलते आपने कई बार देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे आर्मी के जवान आपको कॉकर स्पैनियल के साथ देखने को मिल जाते हैं। बच्चों के साथ ये डॉग ब्रीड अच्छे तरीके से रहती है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले आपके घर में छोटे बच्चे हों या फिर आप बिल्कुल ही छोटे बच्चों के साथ ले जाके रख दो, तो ये उनके साथ अच्छे तरीके से रहती है, बिहेव अच्छे तरीके से करती है, जिसके चलते घर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। दूसरे पेट्स के लिए भी ये एग्रेसिव नहीं होती, जिसके चलते आप लोगों का काम लगभग लगभग आसान हो जाता है। लेकिन कोशिश एक बारी को ये करना, भले आपके पास लैब्राडोर भी क्यों ना हो, बचपन में सोशलाइजेशन पे खास ध्यान देना, उसे दूसरे डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, साथ में दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज ज़रूर कराना, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम ना इन फ्यूचर बाई चांस अगर आपका डॉग एग्रेसिव निकल जाए तो। खैर, बात करते हैं इनके स्पेस की रिक्वायरमेंट की, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है आपकी। इन्हें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये थोड़ी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होती है, जिसके चलते इन्हें घर में कूदना अच्छा लगता है। तो कोशिश ये करना, गर्मियों का टाइम आप इन्हें घर में रखो, लेकिन सर्दियों का टाइम ये छत पे जाने की जिद करेंगे, वॉक पे जाने की जिद करेंगे, तो आपको उन चीज़ों का फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। वॉश वॉक का काम तो बखूबी करेगी, मतलब बार्क कर करके आपको भी परेशान करेगी, खेलो मेरे साथ, तो आपको इनके साथ खेलना भी पड़ेगा। एक्सरसाइज नीड में आप लोगों को इनकी बता ही चुका हूँ, क्योंकि इन्हें एक्सरसाइज की नीड होती ही होती है, इन्हें आपको सवेरे शाम वॉक पे ले जाना पड़ेगा भले मौसम कैसा भी हो। तो कोशिश ये करना, या तो आप वॉक पे ले जाओ या आप घर में भी इनके साथ खेल सकते हो, फैच का गेम खेल सकते हो और बाकी दूसरे गेम भी होते हैं जो कि आप अपने डॉग के साथ खेल सकते हो, जिसके चलते आपका डॉग घर में भी रह के प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दे। गार्डिंग एबिलिटी तो नहीं कर पाते ये, लेकिन इनके वॉच डॉग की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इनकी स्मेलिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। घर में अगर आप ट्रीट छुपाओगे तो ये जाके आपको बता देंगे, भाई ट्रीट यहाँ पे रखी है, खोल के मेरे को दे दो, टाइम हो रहा है मेरी ट्रीट का, या फिर मेरे को भूख लग रही है, खाना निकाल दो, यहाँ पे रखा है खाना आपने छुपा के, तो उतना काम ये बखूबी कर देंगे। बाकी अगर आप इन्हें नई नई चीज़ें सिखाओगे, स्निफिंग का काम सिखाओगे, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे स्निफ डॉग बन सकते हैं। हेल्थ इशू इनके अंदर ना के बराबर होते हैं, जिसके चलते काफ़ी लोगों की ये डॉग ब्रीड फेवरेट भी होती है। अब इनके लास्ट चीज़ प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस इनका बेसिकली आपको 15,000 to 20,000 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, बाकी इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, इनका प्राइस और कलर मार्किंग पे भी, तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल बताऊं, तो ये डॉग ब्रीड ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि हर कोई इस डॉग ब्रीड की तरफ जा सकता है, ईजिली हैंडल करे जाने वाली डॉग ब्रीड है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो ईजिली अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो। खैर, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस डॉग ब्रीड की तरफ जाओगे नहीं जाओगे और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो।